बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर स्थित गुरु घासीदास हाई स्कूल के खेल मैदान में गार्डन बनाया जा रहा था, जिसके विरोध में आज स्कूल के बच्चे सहित खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया और आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल संतोष वर्मा के नाम जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही गार्डन निर्माण पर रोक लगाने कलेक्टर रजत बंसल के नाम कसडोल SDM भूपेंद्र अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, कसडोल नगर के स्कूली छात्र छात्राएं न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलकूद की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बाहर नेशनल लेवल तक खेलकर नगर की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गार्डन बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि स्टार लाइन स्पोर्ट्स क्लब के गुहार पर कलेक्टर ने इसे बंद करा दिया था। बावजूद दोबारा काम चालू होने से खिलाड़ियों सहित खेल प्रेमियों के चेहरे में नाराजगी देखी गई। हमारे सीनियर जूनियर खिलाड़ी सभी मिलके आज जो मैदान में गार्डन का निर्माण किया जा रहा था, उसके विरोध में आज SDM साहब को ज्ञापन सौंपा गया है कि उस स्थान पर गार्डन का निर्माण ना हो और आगे अगर ये निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। कसडोल का एकमात्र जो खेल मैदान है, हाई स्कूल मैदान, तो काफ़ी समय से वहाँ पर आप देखते होंगे कि बच्चे लोग खेलते हैं और कसडोल का एकमात्र स्थान है जहाँ पर वो खेल मैदान है। अभी कुछ समय से वहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ था, कलेक्टर साहब आए हुए थे, खिलाड़ियों ने कहा कि यहाँ पर सर हम लोग की व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर जो प्राचार्य हैं आत्मानंद विश्वविद्यालय के, उन प्राचार्य के द्वारा और कुछ ऐसे अधिकारी PWD के मिलकर यहाँ पर सुनियोजित ढंग से उस मैदान को बर्बाद करने की दृष्टि से उन्होंने एक गार्डन का वहाँ पर प्रारूप तैयार किया और वो कर दिया उन्होंने। अब कसडोल के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है कि शासकीय गुरु घासीदास स्कूल के खेल मैदान में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के संबंध में, तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय से मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद जो भी उचित होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें नहीं, कलेक्टर सर का पहले भी एक बात हुई थी सर से, उनका फ़ोन आया था कि आपस में सभी से मिल के बात करके जो भी उसका हल हो सकता है निकालना है, तो देखते हैं अभी निर्माण काम रोक दिया जाएगा और जैसा ये लोग चाहेंगे उसी के अनुसार होगा, क्योंकि जो भी हो रहा है इन्हीं के फ़ायदे के लिए हो रहा है। अगर ये नहीं